हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे एक कप गेहूं के आटे से और आलू से बहुत टेस्टी सा और क्रिस्पी सा रेसिपी, और जिसे बनाना बहुत आसान है, खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है। और चलिए देख लेते हैं मैं कैसे बनाना। देखिए, मैंने यहाँ पे एक कप गेहूं का आटा लिया है और हाफ टी स्पून में यहाँ पे कलौंजी लिया है, हाफ टी स्पून अजवाइन लिया है, और टेस्ट के बाद में थोड़ा सा नमक डालना है। एक चम्मच मैंने यहाँ पे रिफाइन तेल डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी से अच्छे से हमने इसको डो बना लिया है। और सिलेरी के लिए हमें चाहिए 2 चम्मच मैदा लिया है मैंने यहाँ पे। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर से भी बना सकते हैं। देखिए, 2 चम्मच मैदा मैंने लिया है और मैं यहाँ पे 2 चम्मच रिफाइन तेल डाल रही हूँ। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 चम्मच पानी से। और देखिए, बहुत अच्छे से मेरा गाढ़ा सा सिलेट बन चुका है। मैं यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैं 1 चम्मच यहाँ पे तेल डाल लेती हूँ। देखिए, चलिए आलू मसाले तैयार कर लेते पहले। और हाफ टी स्पून में यहाँ पे सरसों लिया है। आप यहाँ पे जीरा से भी बना सकते हैं। और हाफ टी स्पून में यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। सभी चीज़ों को अच्छे से पहले हम छिटकने देते हैं। और एक हरी मिर्च मैंने लिया है। आप यहाँ पे हरी मिर्च को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद से। चलिए, सभी चीज़ों अच्छे से छिटक चुका है ये। और इसमें मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज का प्याज को अच्छे से काट लिया है, मोटा मोटा, हमने पतला ज़्यादा नहीं किया इनका। और अच्छे से पहले इनको पहले भून लेते हैं, हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया इनको। और मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा मसाला डाल लेती हूँ। हाफ टी स्पून यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है मैंने, और हाफ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और हाफ टी स्पून में यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। चलिए, सभी चीज़ों को पहले अच्छे से भून लेती हूँ। बिना पानी डाले हैं और हमें गैस का फ्लेम पूरा लो ही पर रखना है। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें नमक डालना है यहाँ पे। ओके, और बहुत अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से मिक्स भी हो चुका है, मसाला भी अच्छे से भून चुका है। और मैं यहाँ पे 2 बोल आलू लिया है जिसके मैंने मिक्स कर लिया है। ओके, और इनको भी अच्छे से मैं यहाँ पे मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर, और मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपके बहुत अच्छे से मेरे आटे बहुत सुंदर अच्छे से फूल चुका है। और पहले हम एक छोटा छोटा पेड़ा बना लेती हूँ, सभी को लोई कर लेती हूँ। हमें यहाँ पे 5 लोई बनाए हैं यहाँ पे। देखिए, और पतला पतला हमें सभी को बेल लेना है पहले। देखिए, और सभी आटे को पहले अच्छे से हम पहले बेल लेते हैं। बहुत अच्छे, देखिए मेरे बेल चुके हैं, ज़्यादा हमें मोटा ही नहीं बेलना है। और मैं यहाँ पे एक प्लेट में रखते जाऊँगी बेल बेल कर। एक और मैंने यहाँ पे बेल लिया है। और चलिए, सभी को मैंने बेल लिया है। जो सिलेरी बनाया था ना, मैं देखो घोल बनाया था, उसमें मैं 1 चम्मच करके सभी में फैला लेती हूँ। और फिर से मैं यहाँ पे एक रोटी के रख लेती हूँ यहाँ पे, फिर से मैं यहाँ पे लगा लूँगी। देखिए, फिर से मैं यहाँ पे एक लगा लेती हूँ, फिर से मैं सिलाई लगा। बहुत इजी रेसिपी है। देखिए, सिंपल से मैं सभी को पहले फैला लेना है यहाँ पे। और सभी को फैला लिया है, और एक बार मैं यहाँ पे बेल लेती हूँ, सही बराबर हो जाए सभी के। देखिए, और मैं यहाँ पे चारों कॉर्नर अच्छे से पहले निकाल लेती हूँ साइड साइड का। यहाँ पे साइड साइड का पार्ट पहले निकाल लेते हैं। देखिए, और आप अपने पसंद से ना कोई से भी शेप बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, चौकोर काट सकते हैं। मैं यहाँ पे चौकोर बना काट रही हूँ यहाँ पे, देखिए। और सभी को मैंने यहाँ पे पहले काट लिया है। और मैं यहाँ पे फैलाते हुए हाथों से, मैं बेलना नहीं है ज़्यादा इनको। देखिए, और हमें ना हाथों से फैलाते हुए यहाँ पे जो आलू का मसाला तैयार किया था ना, और 1 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे अब। देखिए, हाँ देखिए, ऐसे कॉर्नर का मोड़ देंगे। और देखिए, 2 कॉर्नर से हमें अच्छे से मोड़ लेना है यहाँ पे। सो क्या है, फिर से हम एक और आपको बनाकर दिखा रहे हैं। 1 चम्मच में यहाँ पे आलू का मसाला लिया है, जो आटा मैंने भी लिया था वहाँ पे, ताकि सभी को मोड़ लेती हूँ। और देखिए, और सभी को हम सिर्फ प्रोसेस में से मोड़ लेते हैं। देखिए, और देखिए, मैंने इतना सारा बना लिया है। और तेल मैंने चढ़ा लिया गर्म करने के लिए यहाँ पे, तेल मेरा गर्म भी हो चुका है। देखिए, और सभी को हमें लो टू मीडियम के बीच में फ्लेम को रखना है, और हमें फ्राई करने के लिए डालते जाना है यहाँ पे। और हमें ना इनका क्रिस्पी फ्राई होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। बहुत टेस्टी और क्रिस्पी सा रेसिपी। और हाँ फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए, सभी को पलट लेते हैं पहले। और सभी को मैंने यहाँ पे पलट लिया है, और क्रिस्पी फ्राई होने तक इनको अच्छे से क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। और हमें 3 से 4 मिनट लगा बनाने में, क्रिस्पी फ्राई करने में। और बहुत अच्छे से हमें इनको क्रिस्पी फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छे से कलर भी आ गया, और क्रिस्पी फ्राई भी हो गया ये।
आप रेसिपी को चाय के साथ बना सकते हैं, बहुत टेस्टी और इजी सा रेसिपी है ये। और देखिए आप देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और टेस्टी सा दिख रहा है, देखने से इतना क्रिस्पी दिख रहा है ना, और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी था ये। देखिए और सभी को पहले निकाल लेते हैं हम, देखिए चलिए सभी को पहले निकाल लेते हैं। और देखिए मैं यहाँ पे सर्व कर लिया है, और देखिए देखने क्रिस्पी और टेस्टी से मेरा नाश्ते बन के रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे धनिया चटनी सॉस के साथ खा सकते हैं। जय मित्र नेक्स्ट।